अगला प्रश्न, धन्यवाद अध्यक्ष रमेश खींची हमें। अरे आप बैठिए, ये प्रश्न आप लगाना। संख्या 242, पहली बात सुबह सुबह बिना पूछे खड़े हो रहे हो, मैंने आपसे कहा नो, पूरे प्रश्न आप अलग से आओ, आपका प्रश्न लगेगा आपको देंगे। प्रश्न संख्या माननीय मंत्री जी बिना अनुमति के आपको भी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 291 जी हाँ, पूर्वी राजस्थान। मैं जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब मैंने पढ़ लिया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय पूछना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का आपने पूरा गहराई से अध्ययन नहीं किया। विभाग ने जो जवाब भेजा उसने आपने जवाब मुझे भेज दिया। मेरा सवाल पूछने का है कि ये सही है कि ERCP या जो आपने अब PKS के नाम से काली पार्वती काली सिंधी सिंध कैलान के नाम से इसको संशोधन कर दिया। 18 में हमारी वसुंधरा सरकार थी तभी इसकी घोषणा हुई थी। 19 में पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना को आगे कहीं किया ही नहीं, इसका भट्टा बैठा दिया। मेरे क्षेत्र में तो खारा पानी और ये सारा जिस तरह से लोग लूले लंगड़े गूंगे बहरे अंधे सब हो चुके हैं। 5 साल में कुछ काम नहीं किया। प्रश्न पूछो। लेकिन अब आपने ये घोषणा की है। मैं माने अध्यक्ष मैं प्रश्न पे आ रहा हूँ, मैं प्रश्न मुझे भाषण नहीं, मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ माने मंत्री महोदय से। जो अब नई घोषणा की है उस घोषणा के अंतर्गत मेरे कठुआ विधानसभा क्षेत्र के समस्त पंचायत मुख्यालय गांव डाणी खारे पानी से जो गांव है वो नई DPR में स्वीकृत है या नहीं, फर्स्ट फेज में मेरा ये आ रहा है या नहीं आ रहा, पहला सवाल। फिर दूसरा बात माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कटुम्बर से आने वाले माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारी संशोधित PKC लिंक परियोजना की DPR भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नई दिल्ली द्वारा तैयार की जा रही है। जब DPR विस्तृत रूप से तैयार हो जाएगी तभी हम बता पाएंगे कि कौन कौन से तालाब और बांध जुड़े। इसके अलावा हमारी बजट घोषणा में भी है कि डूंगरी बांध से अलवर रिजर्वायर की घोषणा की है जिसमें लगभग 9,700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सिल्ली साइड के पास में रिजर्वायर बनेगा। माननीय कठुआ ने पूरे जिले का पूरे पूर्वी रास्ता सवाल है, सवाल भारत सरकार की बात नहीं है, स्टेट सरकार ने DPR में लिया या नहीं लिया, नंबर एक। नंबर दो, जो तालाब और बांध हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए उसके माध्यम से पानी देंगे या नहीं देंगे, सवाल इस बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि DPR हमारी भी बन रही है और जब विस्तृत DPR की रिपोर्ट आ जाएगी तभी हम ऑथेंटिक रूप से बता पाएंगे। घोषणा सदन में करे साहब, मेरे से ना इतना बड़ा जो है मैं कहाँ कह रहे हैं, मतलब ये बात ये है कि फर्स्ट स्टेज में आप इसको इस योजना में लेंगे नहीं लेंगे, तालाब आपने दो प्रश्न पूछे, अब आप पूछे नहीं।